आज मैं जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएंगे। मैं आज जा रही हूँ बूंदी बनाने, रसीली बूंदी जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी मोतियों की तरह बूंदी बनी है, इतने और रसीले और चमकीले इतने होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इसे आप चाशनी में इस तरह से डुबो करके रखें, गरम गरम ही डुबोए और चाशनी भी इसकी गर्म होनी चाहिए जिससे ये अब्जॉर्ब कर ले और खिली खिली रहे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो बेसन मैंने एक कटोरी के लगभग लिए हैं और एक कटोरी के लगभग ही मैंने चीनी भी यहाँ पे ऐड की है। बड़े से बर्तन ले, उसमें आप पहले बेसन को ऐड करें डालें, उसके बाद में एक गिलास के लगभग मैंने पानी लिए हैं जिसे आप इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बेसन डाल दिए हैं और इसे मैं थोड़े थोड़े करके आप ठंडे पानी का यूज करें जिससे ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही पानी यूज किया है। आप कलर के लिए इसमें आप केसर डाल सकते हैं या फूड कलर भी यूज कर सकते हैं जो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही मैंने यहाँ पर पानी लिया है जिससे ये अच्छे से घुल जाएंगे और गुठलियाँ भी इसमें नहीं आएंगी। इस तरह से ज़्यादा पतला भी ना करें ना और अधिक मोटा ही रखें घोल को। इधर आप देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे इस गिलास से थोड़े से मैंने पानी लिया, लगभग 4 से 5 चम्मच के लगभग आप पानी लें और पहले भगोने में पानी डाल दें और उसे गैस पर चढ़ा के ऑन कर दें। गैस को हल्का सा गर्म हो जाए तभी इसमें आप चीनी ऐड करें जिससे चीनी जलेगी नहीं और चाशनी आपकी परफेक्ट बनेगी। इस तरह से इसे चलाते हुए बिल्कुल धीमा फ्लेम रखें, तेज फ्लेम बिल्कुल ना करें चाशनी का, नहीं तो चाशनी अच्छे से नहीं बन पाएगी। चीनी पूरे अच्छे से घुल जाए, बराबर से चलाते रहे इसे अच्छे से और चिपचिपा हो जाए, उसके बाद ही इसे गैस से उतारे, हल्का गुनगुना ही इसे रहने दे जिससे पूरी तरह से चाशनी में बूंदी एब्जॉर्ब कर ले और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने। आप देख सकते हैं चिपचिपा हो चुका है, बिल्कुल चाशनी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था बेसन को। फिर से इसे अच्छे से मिक्स करें और मिला लें। इसमें थोड़े से आप मीठा सोडा ऐड कर दें जो आप लोग को, ये बहुत ही सॉफ्टी और यम्मी इससे बनेगा। और फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं इसमें 1/2 चम्मच के लगभग, जिससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा और सुंदर देखने में लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच के लगभग ही ये फूड कलर डाला है, जिससे ये देखिए बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग कितना ये होटल के तरह इसका कलर आएगा। तो आपको लगेगा नहीं कि आप इसे घर पे बनाए हैं, और बच्चे तो इसे इतने मांग मांग करके खाएँगे कि क्या बताऊँ। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, देखिए कितना अच्छा मिक्स होने पे कलर इसका आ रहा है। जब ये चाशनी में जाएगी तो बिल्कुल ये रेडीमेड की तरह लगेगी। और आप लोग ज़रूर इस भंडारे में इस तरह का बूंदी बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसके घोल को हम लोग अच्छे से घोल लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर मैंने घी गर्म कर लिया है, घी अच्छे से गर्म करें जिससे ये अच्छे से बूंदी बन पाए। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले मोतियों की तरह बन रहे हैं ये बूंदी, और इतने टेस्टी और ये इतना आपको इसे देखने में अच्छा लग रहा है उतना ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और यम्मी होता है। आप इसे व्रत त्यौहार पे भी यूज करें, इस तरह से आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करें। इस तरह से एक बार में ज़्यादा ना डालें और इसे बड़े से बर्तन में ही बनाएं, कढ़ाई को बड़ा रखें जिसमें स्पेस हो अच्छे से। और इसे मैंने घर की ही छन्नी से इसे बनाया है जिससे आप लोग को बनाने में बहुत ही आसानी होगी और कोई झंझट भी नहीं होगा। आप लोग ज़रूर इसे इस तरह से ट्राई करें, देख रहे हैं कितने खिले खिले मोतियों की तरह ये लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है ना ये रेसिपी रेस्टोरेंट की तरह। आप लोग भी इसे देखिए कितने जूसी है कि मैं क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, देखिए कितने चमकीले रसीले ये बने हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये खाने में कितना टेस्टी और यम्मी होगा। आप लोग ज़रूर व्रत त्यौहार में, आप नवरात्रा में इसे बना सकते हैं, आप भंडारे में इसे बना सकते हैं, पूजा पाठ में भी आप इसे बना करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए